नमस्कार, मैं हूं अर्शी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर से चौंकाने वाली खबर है, जहां जिला परिषद के कक्ष क्रमांक 3 में नौकरी लगाने के संबंध में लाखों रुपए लेकर बेरोजगारों को दिए गए झूठे नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र में दिखाई दी जिलाधिकारी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बनावट सिग्नेचर। जब युवक इस नियुक्ति पत्र के साथ पहुंचा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास, तो इस मामले का हुआ खुलासा। ऐसे नियुक्ति पत्र 20 से 22 बेरोजगारों के पास होने की युवक ने दी जानकारी, जिसके बाद रामनगर पुलिस थाने में की गई है शिकायत दर्ज। चंद्रपुर के दाताला में एक 46 वर्षीय महादेव तिमांडे नामक व्यक्ति को आत्महत्या करने के दौरान बचाकर रामनगर पुलिस ने दिया जीवन दान। कुएं में छलांग लगाने पर लोगों द्वारा रामनगर पुलिस को दी गई थी जानकारी, जिसके बाद तुरंत पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस रेस्क्यू पथक की मदद से इस व्यक्ति को बाहर निकाला। अस्पताल में उपचार शुरू, ये व्यक्ति सही सलामत होने की है खबर। सावली में किसान नगर के 27 वर्षीय युवा किसान सुरेश खुड़ावले को खेत के काम के दौरान 3 बार कांटा सांप ने खेत को पानी देने के लिए मोटर शुरू करने के दरमियान ये घटना घटी, जिसके बाद इस किसान को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किया गया है। नागभीड़ के तलौदी में जीवनापुर के 22 वर्षीय युवक ने युवती को प्रेम जाल में फंसाकर बनाए शारीरिक संबंध, शादी का झांसा देकर अत्याचार करने के पश्चात शादी से किया इनकार, जिसके बाद प्रेमिका ने पुलिस थाने में कर दी शिकायत दर्ज। तो वहीं अब जानकारी है कि प्रेमिका की शिकायत के बाद प्रेमी को ले लिया गया है हिरासत। कोरपना तहसील के पर्वतीय परिसर अमल नाला बांध के पास निसर्ग का आनंद लेने पहुंचे 4 से 5 युवकों में से 2 युवकों को मिली जल समाधि। इन दिनों बारिश से अमल नाला बांध पूरी तरह ओवरफ्लो होकर बह रहा है, जिससे इस परिसर के वेस्ट वेयर में पर्यटन का आनंद लेने पहुंचे युवकों में से बल्लारपुर का 21 वर्षीय नदीम अली तथा बिहिर गांव के 22 वर्षीय तौफिक शेख की पानी में डूबने से हुई दर्दनाक मृत्यु। ठाकरे बिल्डर्स, चंद्रपुर के नामांकित बिल्डर्स आपको 2 और 3 बेडरूम फ्लैट तथा डुप्लेक्स रो हाउस प्रदान करते हैं। ठाकरे वाड़ी में ये ए विंग है, ये बी विंग है, ये सी, डी और ई विंग है, ये क्लब हाउस है और ये 3 BHK डुप्लेक्स हाउसेस है। भव्य प्रवेश द्वार 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों से तैनात रहता है। ये क्लब के आगे आलिशान लॉन में आपको शाम के समय व्यतीत करने में काफी मजा आएगा। क्लब के चारों ओर जॉगिंग ट्रैक है। ठाकरे बाड़ी में जो एक क्लब हाउस है, उसमें आउटडोर की गेम्स के अलावा इंडोर्स गेम। ठाकरे बाड़ी में पार्किंग की काफी जगह मुहैया कराई गई है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए चिल्ड्रंस प्ले एरिया भी खास डिजाइन किया हुआ है। आइए और ठाकरे परिवार में शामिल हो जाइए। कृपया बुकिंग के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। गोंदिया के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में बीते दिनों प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थियों ने काली पट्टी बांधकर शुरू किया आंदोलन। विद्यालय के वार्ड क्रमांक 2 में रुग्ण के रिश्तेदारों द्वारा प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरों से किए गए गलत व्यवहार से त्रस्त होकर इसका विरोध करते हुए प्रशिक्षणार्थियों ने काली पट्टी बांधकर व्यक्त किया अपना आक्रोश। गढ़चिरौली के देलोड़ा खुर्द में बाघ ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट। भीमदेव नागापुरे ऐसा मृत व्यक्ति का नाम है, जो बाघ के हमले में बेमौत मारा गया। तो वहीं जानकारी है कि वर्तमान में अब तक यहां बाघ ने 15 लोगों को अपना शिकार बनाया है, जिससे परिसर में बाघ की दहशत बढ़ती आ रही है नजर। नासिक के सुरगाना से आश्चर्यचकित करने वाली घटना आई सामने। लॉकडाउन में बंद हुआ व्यवसाय, तो नकली नोट छापने का शुरू किया कुछ लोगों ने बिजनेस। गुप्त जानकारी के आधार पर नासिक पुलिस ने इस परिसर में मारा छापा, तो सामने आई सच्चाई। कलर प्रिंट का बिजनेस बंद होने से यहां शुरू किया गया था नकली नोट बनाने का व्यापार।
छापा मारने के दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं अब तक इन लोगों द्वारा लाखों नकली नोट छापे जाने से शहर में मची है खलबली। मुंबई के भिवंडी में शर्मसार कर देने वाली घटना घटी, जहां 16 वर्षीय नाबालिग दिव्यांग बच्ची पर उसके चाचा द्वारा ही किया गया दुष्कर्म। दिव्यांग बच्ची के मजबूरी का फायदा उठाते हुए चाचा द्वारा उस पर अत्याचार किया गया। पश्चात पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने पर चाचा को गिरफ्तार करने की है जानकारी। राज्य से रोजाना सामने आ रहे हैं अत्याचार विनय भंग के मामले, फिर वर्धा जिले से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां 24 वर्षीय युवक ने लॉज में ले जाकर एक 40 वर्षीय महिला पर किया अत्याचार। पीड़िता और आरोपी ये आरवी के एक जिनिंग में कार्यरत होकर महिला को घुमाने के बहाने लॉज में ले जाकर जबरन अत्याचार करने की महिला ने दी है जानकारी। महिला ये गर्भवती होने से इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने पर उसे हिरासत में ले लिया गया है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें, फटाफट मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।